बिहार में ट्रैक्टर और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही महिला की मौत हो गई। बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर ट्रैक्टर चालक का पकड़ा गया, जिसके बाद कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के भरसिया गांव के समीप की यह घटना है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पूरे मामले की जांच करने में पुलिस जुट गई है। तो फलका थाना क्षेत्र के भरसिया गांव के पास की घटना है, जहां पर ट्रैक्टर और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। बाइक चालक गंभीर रूप से जख्मी है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के भरसिया गांव के समीप की घटना है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, जो चालक था उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है उससे और पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुट गई है। तो कटिहार में ट्रैक्टर और बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हुई है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे कटिहार संवाददाता रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, कैसे ये घटना घटी और फिलहाल पुलिस किस तरह से छानबीन करी, हालांकि चालक को भी लोगों ने पकड़ लिया है? देखिए, एक कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के बक्सिया गांव की घटना है, जहां एक ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हुई है। सामने की भिड़ंत मौके पर एक की मौत है, जबकि एक बाइक सवार जो गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज कटिहार के सदर अस्पताल में चल रहा है। उसे इलाज के लिए बैठे इलाज के रेफर किया जा रहा है मेडिकल कॉलेज, लेकिन मौके पर चालक पकड़ा गया है। पुलिस गाड़ी को भी जब्त किया और जो तत्काल जो घायल है उनको बैठे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है और पुलिस के द्वारा जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की जा रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो स्थानीय लोगों के चुंगल से चालक को पुलिस ने रिहा करके अपने गिरफ्त में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।